Hello student, welcome to Tech and Sit at Cracker channel. Today in this video, we shall solve question number 12 to 16. Okay? Question is, verify division algorithm for the polynomials fx 8 plus 20x plus x square minus 6x cube and gx equal 2 plus 5x minus 3x square. Right students? इसको कैसे हम सॉल्व करें? 13 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन गिवन है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल्स एफ एक्स इक्वल 8 प्लस 20x प्लस x स्क्वायर माइनस 6x क्यू एंड gx इक्वल 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर. राइट स्टूडेंट्स, तो हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, ठीक ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीनोमियल्स दिया हुआ है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक ना. उसके बाद हम इसको डिवाइड देकर वेरीफाई करेंगे. राइट, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं. एट फर्स्ट वी राइट द गिवन पॉलीनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलीनोमियल्स दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम राइट डाउन करेंगे. राइट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, किस ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते क्रम में. ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ठीक ना, ऑफ डिग्रीज, जो डिग्रीज हमें गिवन है उसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. देन परफॉर्म द डिवीजन. राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एफएक्स गिवन है, एफएक्स इक्वल गिवन है 8 प्लस 20x प्लस x स्क्वायर माइनस 6 क्यू. ओके, जब इसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8. राइट, इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे. उसके बाद देखिए जो gx है उसको भी अरेंज करना होगा, gx भी अरेंज करना होगा, तो gx इक्वल क्या दे रखा है, 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर. राइट, इसको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम डिवाइड देंगे. राइट, देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइड देना है कितने में, माइनस 6x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8. ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइम डिवाइड लेगा, 2 टाइम इसको डिवाइड हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x, 2x से जब डिवाइड इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस 4x. ओके स्टूडेंट्स, इसका साइन चेंज होता है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस होगा और अगर प्लस है तो माइनस होगा. राइट, तो जब इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस का साइन होगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन होगा. ओके, प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ माइनस का जो साइन है वो बड़ा है और प्लस का साइन छोटा है, तो इसलिए हम साइन को माइनस कंसीडर करेंगे, लेकिन इसके बीच जो प्रोसेसिंग होगा वो सब्ट्रैक्ट का होगा. राइट, तो माइनस 10x स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर. ओके, फिर यहाँ प्लस 20x है और माइनस 4x है, तो यहाँ पर हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि प्लस का जो साइन है वो ग्रेटर देन है, ठीक ना. तो यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 8.
ओके अब हमें कितने से डिवाइड देना है, तो हमें अब प्लस थ्री से डिवाइड देना होगा। देखिए जब प्लस थ्री से हम डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 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 फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्स। ओके अब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ओके प्लस माइनस ये कट हो गया, उसके बाद माइनस का साइन जो है वो स्मॉल है तो प्लस का साइन हम कंसीडर करेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग जो होगा वो सब्ट्रैक्ट का होगा। तो 16x में सब्ट्रैक्ट करेंगे 15x, तो क्या होगा यहाँ होगा x और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन प्लस का होगा 2। हमारा रिमाइंडर जो है वो x प्लस 2 रहा। ठीक है अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड इक्वल क्वेशियंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके डिविडेंड हमारे पास क्या है, माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। देखिए माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 इक्वल क्वेशेंट हमारा क्या है, हमारा क्वेशेंट है 2x प्लस 2x प्लस 3 और डिवाइजर हमारा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा जिसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको ऐड करना होगा, तो रिमाइंडर जो हमारा है वो है x प्लस 2, तो हम यहाँ x प्लस 2 को ऐड करेंगे राइट। अब देखिए हमारा जो इतना डिविडेंड है इसका प्रोसेसिंग करके अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये वेरीफाई होगा राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2x से माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस 4x राइट। उसी तरह से हम 3 से टोटल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन प्लस का है यहाँ प्लस देंगे, उसके बाद 3 से माइनस 3x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6 और प्लस x प्लस 2 राइट। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू 6x क्यू प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर, जो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर राइट। यहाँ है 4x और यहाँ है प्लस 15x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 19x हो जाएगा, और एक x यहाँ है तो सारा को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 20x 6 प्लस 2 इक्वल 8। देखिए हमारा जो डिविडेंड था और इतना का प्रोसेसिंग करने के बाद दोनों इक्वल हो गया, दिस इज वेरीफाइड, दिस इज वेरीफाइड राइट। इसी तरह से हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इट इज गिवेन दैट माइनस वन इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवेन पॉलिनोमियल्स। ओके यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है वन जीरोस पॉलिनोमियल्स का दिया है माइनस वन, और हमें फाइंड आउट करना है ऑल जीरोस राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए किस तरह से इसको हम फाइंड आउट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। ओके स्टूडेंट्स सिंस माइनस वन इज अ जीरोस जीरो ऑफ एफ एक्स। ओके सो
x plus 1 is a factor of fx. ओके स्टूडेंट्स, देखिए x प्लस वन यहाँ कैसे हुआ जो समझिए, हमारा जो जीरो है, वन जीरो गिवेन है, माइनस वन, तो माइनस वन है तो x को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, देखिए x प्लस वन इक्वल हम जीरो देंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, राइट, इसलिए यहाँ x प्लस वन लिखा गया है, राइट स्टूडेंट्स. अब हम आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स प्लस वन देन वी गेट देखिए जब इसको हम डिवाइड देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम इसको डिवाइड देकर देखेंगे, एक्स प्लस वन डिवाइड एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व. ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइम हम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इसका चेंज करेंगे, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ये प्लस माइनस कट हो जाएगा और टू एक्स स्क्वायर में वन एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कितने से डिवाइड देना होगा, तो हमें एक्स से डिवाइड देना होगा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक ना, तो एक्स से हम डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, जब साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस इलेवन इक्वल माइनस ट्वेल्व एक्स और माइनस ट्वेल्व. ओके स्टूडेंट्स, अब कितने टाइम लगाएंगे, तो माइनस ट्वेल्व से हम डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व, देखिए साइन चेंज करेंगे हम, अब ये कट हो जाएगा, राइट, तो एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन. आए हमारा और क्वेशेंट क्या आया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व. ओके स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वन इसको आप फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व को, तो देखिए कितना हम कर सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, इसको कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, हम पिछले ईयर जो नाइन्थ क्लास का बुक था उसमें हम लोग ने अच्छी तरह से सीखे थे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर लाना है और प्लस माइनस करके हमें एक्स लाना है, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फोर एक्स में माइनस थ्री एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब जो उसमें कॉमन है उसको आप निकाल लीजिए, एक्स यहाँ दोनों में कॉमन है, एक्स हम ले लिए, यहाँ क्या बचा, तो एक्स प्लस फोर, राइट, माइनस थ्री कॉमन लेंगे क्योंकि ट्वेल्व में भी थ्री है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस फोर. देखिए जब फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो अगर ये दोनों सेम आ रहा तो आप समझिए कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है, राइट स्टूडेंट्स, देखिए एक्स प्लस वन, अब ये दोनों के बदले हम वन टाइम लिखते हैं और एक्स माइनस थ्री एक साथ ब्रैकेट के अंदर देते हैं, ठीक है, अब इतना को हम एक्स इक्वल एक्स कंसीडर करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, देखिए
इसका तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर वन, वन जीरो हमारा दिया था क्वेश्चन में, है ना, वन जीरो दिया था, सॉरी हम प्लस है माइनस नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। उसी तरह से इसको भी हम निकालेंगे, x प्लस फोर इक्वल जीरो, तो x इक्वल माइनस फोर, सेकेंड जीरो से हमारा क्या आया माइनस फोर, राइट। उसी तरह से एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, ठीक है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा थ्री, थर्ड जीरो हमारा क्या आया थ्री, ठीक है। हेंस ऑल जीरोस ऑफ एफ एक्स आर माइनस वन माइनस फोर एंड थ्री, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा फर्स्ट जो x का वैल्यू है जो माइनस वन, और सेकेंड x का वैल्यू माइनस फोर, थर्ड x का वैल्यू थ्री है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, हेंस ऑल जीरोस ऑफ एफ एक्स आर माइनस वन माइनस फोर एंड थ्री, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, इफ वन एंड माइनस टू आर टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, फाइंड इट्स थर्ड जीरो, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमें गिवेन है फर्स्ट और सेकेंड जीरोस गिवेन है, और थर्ड जीरोस हमें फाइंड आउट करना है, और पॉलीनोमियल जो एफ एक्स है वो गिवेन है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। If वन and माइनस टू आर टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, फाइंड इट्स थर्ड जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिवेन टू जीरोस आर वन एंड माइनस टू, राइट, एंड एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, राइट। इतना हमें गिवेन है, टू जीरोस गिवेन है और पॉलीनोमियल्स गिवेन है, राइट। लेट एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू आर अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। दो जीरो हमें गिवेन है, तो इसको वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन। देखिए क्यों हम एक्स माइनस वन लिखेंगे, आप यहाँ रफ वर्क में देखिए, एक्स माइनस वन इक्वल जीरो होगा, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा वन, तो वन को एक्स माइनस वन हम लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह से माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू। देखिए एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये दोनों क्या है, एफ एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स मल्टीप्लाई टू में जब करेंगे तो टू एक्स, माइनस से वन से करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस टू से करें वन से करेंगे टू में तो माइनस टू, राइट स्टूडेंट्स। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। इतना इज अ फैक्टर ऑफ
एफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, जब ये इतना एक फैक्टर है एफ एक्स का, तो इसको हम डिवाइड देंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ओके, पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। कितने टाइम एक्स से हम इसको डिवाइड देंगे, तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। साइन चेंज होगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस माइनस साइन है, तो ये माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस माइनस है, बड़ा का साइन माइनस है, तो माइनस कंसीडर करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। अब कितने से हमें डिवाइड देना होगा, तो माइनस फाइव से। ठीक ना, देखिए माइनस फाइव से देंगे, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस टेन। साइन जब चेंज करेंगे तो ये आपस में कट हो जाएगा, सबका सब कट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और जो हमारा कोएफिशिएंट है एक्स माइनस फाइव, दोनों को हम इक्वल में जीरो कंसीडर करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट, देखिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इतना प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और ये एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो। तो यहाँ देखिए सबके इक्वल जीरो है, तो एक्स इक्वल एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, वन। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल माइनस टू, एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल फाइव। राइट, टू जीरो हमें क्वेश्चन में गिवन था, फर्स्ट वन सेकेंड ये, ठीक है, और थर्ड जीरो हमें फाइंड आउट करना था जो कि फाइव है। राइट स्टूडेंट्स, थर्ड जीरो क्या है, फाइव, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन इज, इफ 3 एंड माइनस 3 आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स फोर प्लस एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो जीरोस गिवन है और ऑल जीरोस अभी फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल्स भी गिवन है। राइट स्टूडेंट्स, एफ एक्स क्या है, देखिए एफ एक्स हमारा दिया है एक्स फोर प्लस एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन। राइट, एंड टू जीरोस गिवन है, टू जीरोस क्या क्या गिवन है, थ्री एंड माइनस थ्री, राइट गिवन है, तो इसको ऑल जीरोस फाइंड करना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, लेट एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एक्स, फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लिखें, यहाँ थ्री है तो एक्स माइनस थ्री करेंगे तो इक्वल में क्या जाएगा, थ्री, और माइनस थ्री लाने के लिए एक्स प्लस थ्री करना होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक फैक्टर है एफ एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ओके, इज सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके स्टूडेंट, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस नाइन,
जब हम एफ एक्स को डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से, तो देखिए क्या आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से डिवाइड देना है पॉलिनोमियल्स में, तो हमारा पॉलिनोमियल्स गिवेन है एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन। ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइम लगेगा, देखिए क्वेशेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से हम लगाएंगे तो ये एक्स फोर हो जाएगा और माइनस नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे ये आपस में कट हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू आगे है, तो इसको हम एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको कितने से हम डिवाइड देंगे, तो एक्स से देंगे, तो एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स, साइन चेंज होगा ये कट जाएगा, देखिए यहाँ प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, तो माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन। राइट स्टूडेंट्स, कितने से लगाएंगे, माइनस टू से लगाएंगे इसमें डिवाइड, तो माइनस टू से लगाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एटीन। देखिए साइन चेंज करेंगे आपस में ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और इसका जो क्वेशेंट है ये, इसको हम दोनों को इक्वल जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का बराबर जीरो, एक्स इक्वल, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल थ्री और एक्स इक्वल हो जाएगा नाइन और एक्स इक्वल रूट थ्री, ये प्लस में आएगा और माइनस में भी आएगा। डैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स इक्वल, आप एक बार रूट थ्री कंसीडर करेंगे और दूसरा एक्स इक्वल आप कंसीडर करेंगे माइनस रूट थ्री, क्योंकि रूट के अंदर जब कोई एक्स का वैल्यू आता है तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर होता है। राइट स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू जो है प्लस में रूट थ्री एक आया और दूसरा माइनस रूट थ्री आया। ओके, अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टू इक्वल जीरो, तो एक्स कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, उसी तरह से यहाँ जब माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस टू। ओके, तो एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन दोनों को इक्वल में जीरो कंसीडर करेंगे, तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस टू एंड एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर वन। राइट, हेंस ऑल जीरोस आर रूट टू माइनस सॉरी रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस रूट माइनस टू एंड वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इफ 2 एंड माइनस 2 आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x4 माइनस 5x क्यू माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 2, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन सेम है जिस तरह से 15 और 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें दो जीरोस गिवेन है और पॉलिनोमियल्स गिवेन है, आपको ऑल जीरोस फाइंड आउट करना है, सेम मेथड से ये भी बनेगा, तो आप ये खुद बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।